पाश की एक बहुत पावरफुल पोएम है, वो कहते हैं कि बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, मैं तो घास हूँ, मैं तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है JNUSU का, और 8 दिन हम लोग एंटर कर चुके हैं फॉर द इंडिफिनाइट स्ट्राइक। और ये जो प्रोटेस्ट हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मेजरली एक सबसे बड़ा डिमांड जो है हॉस्टल अलॉटमेंट फॉर द न्यू फर्स्ट ईयर बैचेस, और उनके लिए कैंपस खुलवाना, ID कार्ड का जो इंतज़ाम करना, उनके लिए कोई ID कार्ड नहीं है कि बोनाफाइड स्टूडेंट्स है, अभी भी उनका एडमिशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होकर रखा है, ये एक सबसे बड़ा डिमांड है। उसके साथ पिछले कुछ महीनों से जो छवियाँ और वीडियो सबके सामने आ रहे होंगे वो है कि जो क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय पर कैंपसेस में, बहुत सारे हॉस्टल के रूम्स टूट रहे हैं, बैल्कनीज गिर रहे हैं, लोगों के रूम में इतना ज़्यादा पानी है कि वो अपने रूम्स में नहीं रह पा रहे हैं। तो एक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं वाइस चांसलर आने के बाद से 2016 में, कि जो फंड्स है, करोड़ों रुपए का फंड्स UGC के तहत आता है या यूनिवर्सिटी को मिलता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है या यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ एक फ़ंड का हो रहा है। जो नए बैचेज आए हैं उनका जो 2000 रुपये का MCM है, इस समय पर जो मिनिमम देना चाहिए उसको काट के 800 रुपये कर दिया गया है, ये बोलते हुए कि हम लोग आपको हॉस्टल नहीं दे रहे इसलिए आपको 800 रुपये का देंगे। आई हेल फ्रॉम जम्मू एंड एज एवरीवन knows J&K has a issue of digital divide. It also the internet restrictions in J&K are too much for students to hold classes normally. Now for personally for me, digital divide has been an issue, not only for me but for the whole class. So coming to JNU, getting the hostels is important to get into that atmosphere of studying first of all. Other than that also we need access to libraries, because as a student of a research university we will need to consider articles, we need to consider books that we don't get online so easy. So because of that we need access to the libraries and to the hostels. Isme naye students jo Delhi mein reh rahe hain aur jo ghar pe internet ki suvidha nahi hone ki wajah se Munirka mein yahan room leke reh rahe hain, wo log bhi bahut acche se connect ho pa rahe hain, wo log bhi daily Munirka se yahan aake protest mein hissa le rahe hain, kyunki sabse zyada dikkat unhi logon ko abhi jhelna pad raha hai, kyunki unka kam se kam 2 semester, pehli baat to semester chote kar diye hain, upar se unko itna assignment ka itna sara pressure hai, uske baad mein bhi wo log yahan aake din bhar protest mein baithte hain, yahin se classes le rahe hain, wo log यहीं प्रोटेस्ट साइट पे बैठ के यहीं से क्लासेज वगैरह सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो JNU में ये हमेशा से ये रहा है कि मतलब स्ट्रगल के साथ साथ आप यहाँ स्टडी भी उतनी अच्छे तरीके से चलती है। फॉर 4-5 डेज इट हैज़ बिन रेनिंग ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, सो समटाइम्स वील हैव टू जस्ट सिट हेयर, एंड येस्टरडे इट वॉज वेरी कोल्ड एंड अ लिटल फॉगी टू, बट वी वर सिटिंग हेयर जस्ट वी वर इंस्पायर्ड बाई आर सीनियर्स टू फाइट फॉर आर राइट्स, सो द मूवमेंट दिस थिंग गोज ऑन, बट या इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। वी हैव बिन ट्राइंग टू कीप द मोटिवेशन ऑन बाई रीडिंग एंड बाई डिस्कशंस एंड डिबेट्स। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो स्टूडेंट रिलेटेड इशूज़ को एकदम दरकिनार करके रखा जा रहा है, ऐसा एक समय पर जहाँ पे NEP का एक बहुत बड़ा असॉल्ट सिर्फ JNU में नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। हम कुछ दिन पहले ही देखे DU में, पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरीके से स्टूडेंट्स मूवमेंट हो रहा है NEP और डिजिटल डिवाइड को सामने रखते हुए, कि स्टूडेंट्स एकदम रिसीविंग एंड में हैं। और सेम हालत आज JNU का है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मजबूर हुए हैं कि वो लोग सड़क पर उतर के यहाँ पर यूनियन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो यही बात बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। आज के समय पे जो हॉस्टल के लिए लड़ाई हो रहा है या हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए लड़ाई हो रहा है, ये पहली बार नहीं है कि JNU कैंपस के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया है कि JNUSU ने स्ट्रगल्स लिया है 1990s के एंड में, जब विजू कृष्णन यूनियन में थे, SFI के तरफ से SU में थे, या लार्जर डेमोक्रेटिक जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने ये बात को हर वक्त रखा था कि हॉस्टल अलॉटमेंट और हॉस्टल्स आर राइट ऑफ द स्टूडेंट्स की हक की बात है। और उस समय पे हम लोग ये भी देखे हैं कि इतना मिलिटेंट एक स्ट्रगल लड़ा गया था जिसमें JNU एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है वो मजबूर हुए थे स्टूडेंट्स को बाहर एक अकोमोडेशन देने के लिए जब तक ना हॉस्टल बन पा रहा है। तो आज के समय पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोयना, शिप्रा, ताप्ती के बाद में से जो हॉस्टल्स कैंपस में देख पाते, वो
लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जे एन यू एस यू के लड़ाई से ही बना गया है। और उसके बाद भी बहुत सारे भूख हड़ताल से लेके बहुत सारी स्ट्रगल्स इंडिफिनाइट सिटिंग्स किया गया है इस कैंपस के अंदर, क्योंकि हॉस्टल की जो इशू है वो एक बहुत एक लंबा एक क्राइसिस रहा है जे एन यू के कैंपस में, एक एक हिस्ट्री रहा है। तो आज के समय में भी हम इस स्ट्रगल को उसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा से एक रवायत रही है कि हर चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, हर जो ड्रैकोनियन मेजर्स जो सत्ता पक्ष लाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लाता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। तो हॉस्टल्स के लिए भी प्रोटेस्ट यहाँ बहुत आम बात है, हॉस्टल्स के लिए हंगर स्ट्राइक, हॉस्टल्स के लिए बाकी स्ट्रगल्स जो रहे हैं, दैट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड ऑन दिस कैंपस। चाहे वो 2014 का स्ट्रगल हो, 2013 का स्ट्रगल हो, यहाँ पे डॉम्स बनाने का स्ट्रगल हो, और ये हमेशा ये होता है कि the regime for that matter or the administration has been trying to convert this into a DU like campus jahan pe JNU residential campus na ho, taki jo students ko politicize karke jo students ko rationalize kiya jata hai, democratize kiya jata hai, us pure process mein badha dala jaye. Ek bahut hi bade stav par students ka witch hunting, यानी कि उनको टारगेट करके उनको प्रताड़ित करना, और जो प्रशासनिक विशेष अधिकार प्रशासन के पास होते हैं उनका यूज़ करके एक उनकी आवाज़ को बंद कर देना, ये कोशिश 2014 के बाद से ही लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर एक छोटे से प्रोटेस्ट यहाँ पे इतिहास रहा है छात्र आंदोलन का, कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और जो संविधान प्रदत्त जो दायरे दिए गए हैं उनके भीतर ही सारे प्रोटेस्ट होते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर हर एक एक्टिविस्ट के ऊपर 50-50 60-60 नोटिसेस हैं। अब विडंबना देखिए कि ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई का स्पेस है, और जब पूरी देश में हर तरह के संस्थान खुल गए थे, वहाँ पर लाइब्रेरी को खोलने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। यूनिवर्सिटी में हमें ज़बरदस्ती तालिबान, अगर अफगानिस्तान या तालिबान जैसी ताकतों के खिलाफ ऐसा होता कि भाई पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो समझ में आता, एक सरकारी संस्था में सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष हमें पढ़ने के लिए करना पड़ा। और ये स्ट्रगल सिर्फ इतना नहीं है कि हॉस्टल मिल जाए, ये स्ट्रगल एनईपी के खिलाफ भी स्ट्रगल होगा। ये जो स्ट्रगल होगा वो हम लोग इसको एक ब्रॉडर सेंस में जो फी हाइक हो रहा है पूरे कैम मतलब पूरी कंट्री में फी हाइक्स हो रहे हैं, पूरे कंट्री में जो एक तबका है जिसको पूरे तरीके से यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया जा रहा है, उसका स्ट्रगल है। अभी हम देखते हैं कि हर हॉस्टल में जो स्थिति है, जो बदतर हालत है, चाहे वो मेस में जो फीस बढ़ रही है, मेस फीस बढ़ रही है 4,500-5,000 जो फीस बढ़ रही है, वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा और वो भी समझना पड़ेगा कि इट इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर प्रोजेक्ट।